हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई डेटा टेबल है और वो डेटा टेबल किसी टेक्स्ट फाइल में अगर स्टोर्ड है, टेक्स्ट फाइल यानी जैसे कि नोटपैड वाली जो फाइल है, उस नोटपैड वाले फाइल में अगर हमारे पास टेबल स्टोर्ड है तो उस टेबल को हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं और किस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे बाय यूजिंग दैट टेबल, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है। आज की वीडियो में अगर हम देखेंगे कि अगर आपका टेबल किसी एक्सेल फाइल में अगर अवेलेबल है तो उस एक्सेल फाइल के टेबल को हम किस तरह से प्लॉट कर पाएंगे हमारे लेटेक डॉक्यूमेंट के अंदर में, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए क्या किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने एक एक्सेल फाइल में एक टेबल क्रिएट किया हुआ, एक सिंपल टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप कोई कॉम्प्लिकेटेड टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, समझाने के लिए सिर्फ मैंने आपको सिंपल टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल आप कैसे भी आपका रह सकता है, कोई भी एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू रह सकती है, ठीक है। तो क्या करना है, इस टेबल को सेव करते समय ध्यान में रखना है कि ये फाइल को, इस फाइल को और आपके लेटेक डॉक्यूमेंट फाइल को आपको सेम फोल्डर में आपको स्टोर करना है। तो इसलिए क्या करता हूँ कि अगर मैं इस लेटेक फाइल को डॉक्यूमेंट वन मैं इसको स्टोर कर देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ, इस पीजीएफ प्लॉट्स वाले जो फोल्डर है मेरे पास डी ड्राइव में, वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट वन को सेव किया हुआ है। तो इसलिए मैं उसी फोल्डर में इसको सेव कर दूंगा। क्या कर लेता हूँ, फाइल सेव एज कर लेता हूँ। और सेव एज करने के बाद अभी इसको डायरेक्टली सेव नहीं करना है, ध्यान में रखना है। इसको मैं एक नाम देता हूँ, सपोज EXCEL1 देता हूँ, सपोज एक्सेल वन देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव एज टाइप में इसको सेव करना है आपको एज ए टेक्स्ट, ठीक है। इसको सेव करना है आपको एज अ टेक्स्ट, ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एक्सएलएस फाइल, एक्सेल फाइल सेव नहीं करना है आपको, इसको सेव एज क्या करना है, टेक्स्ट फाइल करना है, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये कुछ पूछेगा आप लोगों का, इसको एस कर देना है, ठीक है। तो इस फोल्डर में आप देख सकते हो, ठीक है, इस फोल्डर में आप देखिए एक्सेल वन नाम से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। अभी एक बार अगर टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं, तो जैसे हमारे पास एक्सेल में टेबल था उसी तरह का टेबल यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। अभी इस तरह का डेटा अगर टेक्स्ट फाइल में आया है तो उसको प्लॉट किस तरह से करेंगे ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो क्या करता हूँ मैं, फिर से ये वाला जो फिर से एनवायरमेंट क्रिएट कर लेंगे, दिस बिगिन टेक्स्ट पिक्चर, ठीक है, या डायरेक्टली ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि ये कमांड्स आपके याद होनी चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक्सिस एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे और एक्सिस एनवायरमेंट क्रिएट करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। ये जो ऊपर के जो ऑप्शन है, मैं टाइम वेस्ट न करते हुए ये ऑप्शन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि एड प्लॉट करना है, बैकस्लैश एड प्लॉट एक्सिस एनवायरमेंट के अंदर में एड प्लॉट करना है। और एड प्लॉट करने के बाद आपको क्या प्लॉट करना है, टेबल प्लॉट करना है, ठीक है। जो उस फाइल में टेबल अवेलेबल है उस टेबल को आपको प्लॉट करना है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आपको उसका पाथ, जिस फाइल से आपको डेटा लेना है, जिस फाइल का डेटा आपको प्लॉट करना है, उसका पाथ यहाँ पे दे देना है। उस फाइल को हमने सेम पाथ में स्टोर किया हुआ है, सेम फोल्डर में स्टोर किया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली मैं उसको नाम देता हूँ excel1.txt। ये मेरे पास फाइल है जिसमें मेरे पास टेबल अवेलेबल है, इसको मुझे प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं। एक ग्राफ ऑलरेडी हमारे पास है, उसके नीचे हमारे पास दूसरा ग्राफ आ जाएगा। फिर से एरर आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि एड प्लॉट के बाद आपको सेमी कॉलन देना है, ये बार बार भूल जाता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। सेमी कॉलन देते हैं तो प्रोसेस एग्जिटेड नॉर्मली, और आप देख सकते हैं ये दूसरा ग्राफ प्लॉट होके आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हमने एक्सिस प्रॉपर्टीज कॉपी किया था तो ऊपर की जो एक्सिस प्रॉपर्टीज है सेम इसको भी लागू हो जाएगी, ठीक है। अब ये ग्राफ का कलर मैंने बोला था कि प्लॉट का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आया हुआ है, मुझे दूसरे किसी कलर से चाहिए, फॉर एग्जांपल ग्रीन से चाहिए, तो प्लॉट का कलर चेंज करना है। इसलिए एड प्लॉट के बाजू में एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ऑप्शन देना है, यहाँ पे दे दूंगा मैं ग्रीन। और इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। ऑटो रन मोड में डाला है इसको, इसलिए ये देख सकते हैं अभी आप, ये जो प्लॉट आया हुआ है ये ग्रीन कलर से आया हुआ है। इसके ऊपर आपके पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, तो पॉइंट्स डालने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ मैं, राइट। और इसमें मार्क डालने हैं आपके, मार्क डालने इसका मतलब वो जो पॉइंट्स है डॉट फिल डॉट,
या स्टार मार्क या एस्ट्रिक मार्क जो कुछ भी आपको डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रिक्स लेता हूँ मैं, एस्ट्रिक्स मार्क अगर डाल देता हूँ ठीक है, ऑटो बिल्ड मोड में रहने की वजह से ऑटो रन हो जाएगा और ये आप देखेंगे यहाँ पे कि जो प्लॉट बन के आ जाएगा वो प्लॉट में आपका ग्रीन कलर थोड़ा सा ठीक हो गया है प्लॉट और ये एस्ट्रिक मार्क यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सेल फाइल में अगर कोई टेबल अवेलेबल है उसको आप प्लॉट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में डेटा है उसको प्लॉट करना और एक्सेल फाइल के डेटा को प्लॉट करने के लिए मेथड सेम है, सिर्फ आपको करना पड़ेगा कि ये जो एक्सेल फाइल में डेटा है इसको सेव करते समय आपको यहाँ पे ठीक है क्या सिलेक्ट करना है, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, इतना ध्यान में रखिए तो आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो, इट इज़ वेरी सिंपल ठीक है। और कुछ क्वेरीज अगर है तो आप क्वेरीज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।